देख संपूर्ण खबर असंभाल अफगानिस्तान देश में पहुंची सारी तालिबानी सेबड़े देश छाड़ा एयरपोर्ट में असंभाल भिड़ प्रबल भिड़ कारण एयरपोर्ट में गुड़ विनिमय पांच जन मृत्यु होता सूचना सेबड़े एयरपोर्ट में 6000 सेना को मुतयन कर आमेरिका सेबड़े भारत निज नागरिक फेर आने को करुच्छी स्वतंत्र व्यवस्था अफगानिस्तान एयार स्पेस को बंद कर दि जा आज सका अफगानिस्तान राष्ट्रपति भवन में तालिबानी कब्जा कर गोटे पटे देशर राष्ट्रपति देश छाड़ा बेले सेठे साधारण नागरिकों बाहर को बाहर कष्टर हो पड़े विभिन्न स्थान में लुट्र खबर सामनाक आसुची रास्ता एटीएम और देशर बाहरी जावाक लगुच लंबा लाइन गगन विश्वाल नुआदिल्ली प्रतिनिधि अच्छा अधिक शुणापी सिद्धांत नहीं चलु गगन गोटे बड़े अफगानिस्तान स्थिति जटिल अंपटे अफगान फसी रही भारतीयों कि उद्धार करने सरकार तरफ कौन ब्लू प्रिंट प्रस्तुत वर्तमान पर्यंत कौन रास्ता वर्तमान सामने अच्छी देखो अपूर्व जहाँ सूचना आयार इंडिया जो फ्लाइट रही 126 बर्तमान से चिकागो दिल्ली जो फ्लाइट आसाला ता बर्तमान डाइवर्ट हो जेहेतु पूरा संपूर्ण जो अफगानिस्तान एयरबेस को सेने लक कर अकाम हो जाए सीधा सड़क आम कहीपर अफगानिस्तान उपरे कौन एयर ट्राफिक को सेने परमिशन दौना बर्तमान समय तेणु बर्तमान गल्फ एयर स्पेस को बर्तमान डाइवर्ट होयार इंडिया फ्लाइट और जहाँ आशा कराँ जो टाइमिंग था 8:30 आज दिल्ली में लैंड करने कथा हुए तो से किसी विलंब हो पाए और देखिए वेरी क्लोजर चिकागो दिल्ली जो फ्लाइट रही जो गल्फ एयरपोर्ट को डाइवर्ट कराई तो अफगानिस्तान जथेष निकटवर्ती कि जेहेतु डाइवर्ट होती निश्चित भाव टाइमिंग लगे जो पूर्व जो टाइमिंग थी 8:30 फ्लाइट लैंड करने कथा हुए तो से किसी विलंब हो पार जो कथा आप कहते अशरफ गनी छाड़ी सारी काबुल छाड़ी सारी से निश्चित भाव ओमान में बर्तमान रही ताजिकिस्तान में कौटना कौटी फ्लाइट लैंड करने परमिशन मिल ना बर्तमान से अमेरिका जावाई प्रस्तुत होता नहीं खबर आसा इनपुट आसो मेहिबा राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदाता सहित अच्छा से बर्तमान ओमान में अच्छा ओमान रु सी हूं तो अमेरिका को जी अमेरिका निश्चित भाव से अधिक सहायता मागिपारती कहीं देखिए बर्तमान तालिबान शासन आरंभ होगा जाऊँच पूरा अफगानिस्तान में बर्तमान तालिबान पताका उड़ू सबू बड़ बड़ सहर को बर्तमान से निज हाथ को नहीं इवन राष्ट्रपति भवन को छाड़ी ना राष्ट्रपति भवन में किभली ढंग से लुटपात कर राष्ट्रपति भवन में जो भवन परिसर रही से वीडियो बर्तमान भाइराल हो किभली ढंग से खाद्य खाऊ कि ढंग से आचरण कर गोटे राक्षस प्रवृत्तिर आचरण बोली कहुपे अपूर्व कहीं जो भी ढंग से लोकों पर गुड़ वर्षा कर इवन जत आसुले लोक फ्लाइट अभिमुखे जाते लोक गोटे मात्र बाट था जे फ्लाइट अभिमुखे सबू जो देशर शरणार्थी रही जेहेतु कंडीशन बहुत खराब हो तेणु फ्लाइट अभिमुखे से फेरी आसवे भारत अनेक आक रही खासकर पंजाब जो 200 अधिक सिख रही कैप्टेन अरमिंदर किसी समय पूर्व एक्सटर्नाल अफेयर्स मिनिस्टर सहित कथे और फेरी आने अपिल करते ये ढंग से देखिए विभिन्न राज्यर लोक से फसी रही किए व्यवसाय वाणिज्य करता किए जॉब बोर्ड में था किए बिजनेस करता अनेक दिन धरी जो मैंने काली आसते से निजर एक्सपीरियंस रखुते गणमाध्यम आगे जे किभली 20 वर्षर किए 10 वर्षर किए 15 वर्ष धरी सेठार रोते से से सबू एक्सपीरियंस धूलिसात जाए गोटे दिन में जिते परिपार्श्वर लोकों पर गुड़ वर्षा करागला जिते धन संपत्ति लुट कर तो निश्चित भाव से सब एक्सपीरियंस धूलिसात कौन सी मोड्रे बर्तमान लोक चाहूना सेटा को प्रत्यावर्तन करने समस्ते बर्तमान पेली पुटुला बांधिक किभली भाव से खसिकी आसवे से कंडीशन में बर्तमान से चिंता करते भारतीय एम्बासी जो रही लगातार जो जो जगार लोक फसी जाते आतंकित अवस्था रही उद्धार कर सुरक्षित स्थान में आणिक रखा जा आवश्यक पड़े हुए तो जो गल्फ एयर स्पेस साहय नि कौन कंट्री साहय नहीं कि तुरंत उड़ाण भर जा बर्तमान जो फ्लाइट टी आसेतु परमिशन ना हूं तो आउ कौन फ्लाइट बर्तमान जापर ना अपूर्व कहीं से सीधासख निजर संपूर्ण एयरबेस को कटका रखिंट बर्तमान कौन सी ट्राफिक मुवमेंट बर्तमान हो पार ना तेणु पूर्व केवल जो वाणिज्य एयर स्पेस रोक लगे बर्तमान डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स रोक लगे अपूर्व गगन यह जानवाक चाहूँ जो अफगानिस्तान में भारत सरकार तरफ अफगान डेवलपमेंट बहुत इनभेस्ट कर भारत सरकार अफगान सरकार लगातार कथबार्ता चली जितने अफगान एक संकट समय दे गति करुच्ची समग्र विश्व चुप रही भारत स्टैंड कौन भारत आभिमुख्य कौन ये सरकार तरफ किसी स्पष्ट सूचना दिगला
देखो निश्चित भाव लगातार भाव ये घटना पर नजर रखा जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल कहतु जयशंकर कहतु से लगातार मॉनिटरिंग कर कंडीशन सहित कितु कौटना कौटी जो तालिबान स्पोक्सपर्सन मान रही गणमाध्यम को प्रतिश्रुति कही कौन दुई दिन पूर्व से प्रतिक्रिया आसी कौन जो भारतीय रही साधारण लोक कौन असुविधा ये उत्पन्न करना अन्य देशर लोक हूँ भारत लोक हूँ कह को भी एटी कौन असुविधार सम्मुखीन हो ना आमर जो मोटर रही आम शासन को फेर तेणु यही मोड्रे आम आगे बढ़ुचु कितु बर्तमान देखा जाने साधारण लोक लुटपाट आरंभ कर साधारण लोकों पर आक्रमण आरंभ हो देखिपे चित्र जो आसी चित्र जो भाइराल हो एयरपोर्ट में गोली बर्षण करनि पांच जन लोक से मृत्युवरण करूँ जो प्रतिश्रुति से प्रतिश्रुति कौटना कौटि बर्तमान से अनुपालन करना तेणु बर्तमान सबु राष्ट्र निज निजर जो रही जो नागरिक रही कि भाव फेर आने से विशेष ध्यान दौरान खासकर जिते पूर्व सुरक्षित स्थान को जीवाई फेरी आसपा भारत सरकार अपील करते कौटना कौटी लोक मेरे भरोसा था लोक मैंने भावुले हे तो से सरकार को आसपाई करते कि साधारण लोकों पर कौन आक्रमण होना कितु बर्तमान स्थिति संपूर्ण बदली जाइए जो मैंने फेरुंच से निजर अभिज्ञता बखाणुंच कि ढंग से स्थित बदली जो देते जो प्रतिश्रुति से प्रतिश्रुति पालन करेंगे कौटना कौटी से फेलियर होती अनुपालन करना बर्तमान या को लेकिन विश्व समूह बर्तमान चिंतार पड़ी ब्रिटेन में एक गुरुत्वपूर्ण बैठक डकला हुए तो आमेरिका रशिया हूँ ब्रिटेन हूँ एने हुए तो किसी आक्रमण करदी किसी एक्शन न निया निश्चित भाव आ कि घंटा पर देखिए संपूर्ण अफगानिस्तान तालिबान हाथ को आसवे तालिबान सेठार सरकार गठन कर बहुत बहुत धन्यवाद गगन विश्वाला नुआदिल्ली प्रतिनिधि घटना पर लगातार भाव नजर रखिंट परवर्त समय पुणी थर आप फेर आउ किसी अपडेट नापी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सूचना सेपटे तालिबान मैंने राष्ट्रपति भवन अफगानिस्तान उपर संपूर्ण दखल प्रक्रिया को घोषणा करने सहित देशर नाम बदल इस्लामिक एमिरेट्स अफ अफगानिस्तान भाव में नामित करेंगे बोली सूचना मिली 20 वर्षर युद्ध पर अफगानिस्तान आमेरिका सैन्य प्रत्याहार मात्र किसी दिन मध्य प्राय समग्र देश को निज कब्जा को नहीं तालिबान सेपटे स्थिति बिगड़ आज यूएनएससी जरूरीकालीन बैठक हो सूचना मिली एपरी परिस्थिति भारत में रहुवा किसी अफगान स्टूडेंट निज देश को फेरवाई नुआ दिल्ली अफगान एम्बासी ठारे पहुंची थिले सारा विश्वर नजर एवं अफगानिस्तान उपरे तालिबानी आतंक रे अस्थिर काबुल तेब आगु को कौन हेबो ए चिंता सेठारु जाईपर नथिबा जनतांक मध्यरे रहिछे एसो भितरे नाजदानांक भली किछि कुनी झियंक कथा मध्य सामना को आसुछे जेमानकर स्वप्न आज स्वप्न रे रहि जाइछे सेपटे पैलेस्टाइन इस्राएल बेले विक्षोभ करुवा तथाकथित मानव अधिकार कर्मी बड़ प्रश्न उठी नाजदाना पी कुनी झील मान कौन मानविक अधिकार ना ये कुनी झील को देखु छह बरसर यह कुनी झीर ना नाजदाना अफगानिस्तान कांदाहार तार घर किद ते मीडियाकर्मी मैंने कुनी झील को पचारि तुम्हें बड़ हो कौन हेबाकु चाहुछ एही प्रश्नर उत्तर रे कुनी झीटी कहिथिला मु दांत डाक्तर हेबाकु चाहुछि किंतु किछि दिन मध्यरे स्थिति संपूर्ण बदली जाइछि तालिबान रो अफगानिस्तान उपरे कब्जा होइ गलाणी एबे नाजदानर परिवार तालिबान रो आतंक कारणरु घर द्वार छाड़ी काबुल निकट रे एक क्यांप रे रहुछ सेठारे सरिया आईन लागू हेबो नाजदाना भली कुनी कुनी झियो मानकु आउ पाठ पढ़ सुजोग मिलना से घर भितर आबद्ध हो रहा और कला बुर्खा पिंधि बाध्य हेबे नाजदाना भली कुनी झीर डाक्तर हेबार स्वप्न स्वप्न ही रही तालिबान माने अफगानिस्तान रे किछी दिन तले जड़े हास्य कलाकार हत्या करथिले कारण से सरिया विरोधी काम करुथिले सेठारे सेमाने अफगानी महिला मानंकु सेक्स स्लेव करिबापाई मध्य निर्देश जारी करी छारिसंति तथापि केही महिला अधिकार रो झंडा धरिथिबा ओ मानव अधिकार रो कथा कहुथुबा संगठन ए विषय रे किछि प्रतिक्रिया दैथिबा आपण सुनिछंति कि आपण मानंकर किछि दिन तळर घटना बनेथिबो पैलेस्टाइन रा हमास आतंकवादी संगठन इजराइल उपरे आक्रमण करिथिला यार जवाब रे इस्राएल सेना आतंकवादी ठिकाना उपरे बोमा बर्षण करिथिला
ସେତେବେଳେ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନବାଧିକାର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଓ ଇସଲାମୀ ସଂଗଠନମାନେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାସ୍ତା କୋହ୍ଲାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସେଫ୍ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍, ସେଫ୍ ଗାଜା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଫ୍ ଇସଲାମ ଯାଇ ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖାଥିବା ବ୍ୟାନର ଧରି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମାନବିକତାର କଥା କହୁଥିଲେ। କୁନି କୁନି ପିଲା ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ଯାହା କରୁଛି ତାକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଏହି ତଥାକଥିତ ମାନବ ଅଧିକାର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ମୁହଁରେ କାହିଁକି ତାଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି? ତାଲିବାନର ବର୍ବରତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସେହି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ବୋଧହୁଏ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ବଡ଼ ସଫଳତା, 2 କେଜିରୁ ଅଧିକ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ସହିତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ 2 କେଜି 402 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାରର ଦାମ ପ୍ରାୟ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘଟଣାର ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ କ୍ରମେ 2020ରୁ ଏଯାବତ୍ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ 38 କେଜି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଓ 84 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 28 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି। ଏହା ସହିତ 100ରୁ ଅଧିକ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ରୋଶନ ରଥମ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ରୋଶନ, ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା କୁହାଯାଇପାରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର? ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଗୋଟେ ଦିନ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, 2-3 ଦିନ ତଳେ ପାଖାପାଖି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଜବତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପେଡଲର୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପୁଣିଥରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରୁ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଖାପାଖି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଧରାହେଇଛି ଏବଂ 3 ଜଣ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣାରେ। ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯୋଉ ମୋଟା ଏମାଉଣ୍ଟର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଏଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାନ୍ତା। ସେପଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଅପରେସନ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ପାଇଡର ନାମକ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା, ନୂଆ ଅପରେସନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜଧାନୀର ଗଳି କନ୍ଦିରେ, ବସ୍ତି ବସ୍ତିରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଖୋଲାଖୋଲି ବେପାର ଚାଲୁଛି, ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏହି ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ପାଇଡର ଅପରେସନ ଆଜିଠୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ମିଳିଛି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆଜି ଏହି ଅପରେସନରେ 28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଭରତପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ବସ୍ତିରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୋଲିସ ବସ୍ତି ବସ୍ତିକୁ ଯିବ, ଡିସିପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସବୁ ଥାନାର ଆଇଜିଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତିକୁ ଯିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ନିଶା ସେବନ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଲୋକ ଯଦି ମିଳିତ ଭାବରେ ନିଶା ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି, ସେହି ନମ୍ବରରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଅନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଗୋପନ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସ୍ତିରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯୋଉ ଚେର କୁହାଯାଉଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କିମ୍ବା ବାଂଲାଦେଶ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଆସୁଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି, ସେଟା କେମିତି ଭାବରେ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଯଦି କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଫିଆ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଧଳା ଜହରର ଲମ୍ବା ଚେର ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ହଉ କିମ୍ବା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ହଉ କିମ୍ବା ବାଂଲାଦେଶରୁ ହଉ, ଜଳେଶ୍ୱର ଦେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ଏବଂ ଏଇ ଚେରକୁ ତଳୁ ଉଖାଡ଼ି ପକାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଏବଂ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି 2 କେଜି 400 ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ପାଖାପାଖି 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ରଥମ ପ୍ରତିନିଧି, ଏ ନେଇ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ତରଫରୁ ଜଳେଶ୍ୱରଠାରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 2 କିଲୋ 402 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ତରଫରୁ ବିଗତ 1.5 ବର୍ଷ ଧରି ବିଶେଷ ସଫଳତା ମିଳିଛି, ପାଖାପାଖି 38 କେଜିରୁ ଅଧିକ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଏ ଭିତରେ ଜବତ ହେଲାଣି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ତରଫରୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ଉ ଆହୁରି ଅଧିକ କରାଯିବ।
भद्रक मिर्जापुर युवती तृष्णाराणी मृत्यु मामला पुलिस ना आसला सांघातिक अभियोग। तृष्णाराणी मृत्यु को प्रेम रूप देवाई चेष्टा करके अभियोग आसी भद्रक पुराणा बजार पुलिस ना तृष्णाराणी मोबाइल नथिले भी जोर जबरदस्त मोबाइल थिबा कथा कहिबापाई पुलिस बाध्य करथिबार अभियोग आसुछे। एबे प्रश्न उठुछि असदाचरण सह मोबाइल थिबा नथिबार संपर्क कौन? युवती तृष्णाराणी चॉकलेट आणिबापाई जाइथिबा बेले असदाचरण शिकार होइथिले। शेख मुस्ताकी नामक 70 वर्षीय वृद्ध असदाचरण कला हेले 3 दिन रे बेल पाइगला। पुलिस कंप्रोमाइज करबा को कहिला आउ न्याय नपाई लोक लज्जा भयरे आत्महत्या कले युवती। एबे पूर्ण विवाद घर को आसी भद्रक एसपी चरण सिंह मीना एवं तांकर टीम। न्याय दरबार रे न्याय कहाँ को मिलिबो कहाँ को न मिलिबो यार तदंत प्रक्रिया भार रहि दिया जाइछि पुलिस को। किंतु पुलिस जदि न्याय को बाटबणा करिबो ताले न्याय पाइबारु किए वंचित हेबो किए न्याय पाइबो एक कथा किए कहिबो। एभले एक घटना भद्रक रे घटिछि जोठी जने गरीब घर झियो तृष्णाराणी को बलात्कार उद्यम कराइथवा बळे से अभिजोग कला एवं अभिजोग परे जे अभिजुक्त शेख मुस्किम को 3 दिन भितर बेल मिलला एवं पुलिस रो कोहळ दफा पई जते बळे बेल मिलला ये अपमान रे एवं बेल आसवा परे तार परिवार लोके धमक चमक देवा परे जेते बले तृष्णाराणी आत्महत्या कला सेते बले एबे भद्रक रे अनेक झड़ सृष्टि हेछि। विशेष करी तृष्णाराणी को न्याय देवा दाबी रे वर्तमान भद्रक रे स्वर उठिछि। सामाजिक संगठन टू नै राजनीतिक दल समस्त एबे बड़ प्रश्न न्याय कहाँ पाई? पुलिस जदि कोहल दफा लगेब ताले अभियुक्त बेल राशि धमक चमक देला पळे जदि गरीब झीटी आत्महत्या करिब गरीब झी कथा बुझिब किए? बीजेपी महिला मोर्चार सदस्य मान आम सहित जोड़ सीधा सड़क से आलोचना करवा जे मैडम केम देखुंत आपण जे तृष्णाराणी घटना जो घटना घटला बर्तमान आपण मैंने बारंबार स्वर उठाऊँ पुलिस को जनाऊँच किंतु तदंत प्रक्रिया भितर ये सब कथा सीमित रही या भितर भद्रक पुलिस गोटे प्रेमर दिग को बाछी जो प्रेमर दिग दे तदंत को बाटबणा कर दिया जो बोली परिवार लोक अभियोग आम तो तुष्णागत को जाइलु से माँ जहाँ कहूला जो बलात्कार है मानते प्री प्लानिंग ना कहीं जोर तर गीत बजे कि सहित बलात्कार करा माँ कह जगू एत जोर गीत बाजुला मो झी पार्टी कर चिले से जापार ना दुई सांग से देखे लेट है तो सीट गला सब असद आचरण से थे तो झील जो घरे कहला से माँ एफआईआर देला देला से झील भाविला ठीक अच्छे मत न्याय मिले माँ जहाँ कहते तो कांदी जो माँ कहते कह मो झी मो पुओ बोले बड़ झी से मो पु सब से कम कै आम सब से मानते आम घर पर गोटे पुओ से चलीगला तल भी अच्छे आम कमी न्याय पाइबा आम झील पुणी पाठ पढ़ के ये गाँव रुव कमती का तो जहाँ भी हूँ से झील बहुत दुखर थी तो थाना अपमान पाई से भाविला मो माँ को बुढ़ी माँ को जो पुओ मैंने आसिक जो दमका चमका करते झी भाविले मो बापा माँ को लाइफ रिस्क अच्छी किसी असुविधा हम मु आत्मसम्मान को सी जगी से निजी सुइसाइड करदेला तो आम चाहूँ झील जदि गोटे मरीगला तो न्याय कौटी रहा कौन आम कचेरी कोर्ट कचेरी सब बंद हो गला एमती गोटे दफा लगा जाऊ जमीन नन बेलेबुल हम तो आम भी वकिलाती पढ़ीचु बेलेबुल कहीं हम जड़े जदि दफा ठीक लगे तो निश्चय बेल नन बेलेबुल हम आमे माने जाइछु से जागा को बापा मांग संगे कथा हेचु तांको घर को जीवा को रास्ता भी ठीक नाही सेठी प्रति भी प्रशासन किछि ध्यान दउनी सेटा हमर म्युनिसिपालिटी 24 नंबर वार्ड रे जाउछि किंतु वर्तमान पर्यंत कोनोसे सुविधा सुजोग से जागा रे पहुचि परने ना से घर रो जो झियो रो एभलि भाबे मृत्यु घटिछि से झियो घर गोटे प्रधानमंत्री आवास टिए भी से पाइनी सडक टिके भी पाइनी से झियो ता मा जति कहुथिला 50,000 टंका रो तांकर लोन थिला से गोटे पुओ भली काम करके क्षीर बिक्री करके से लोन को से सुझी मानते से घर झील नु पुओ थिला किंतु एबे तो से पुओ ना आत्महत्या कर दी आमे चाहूचु कि ताको न्याय मिलु जो माने अभियुक्त जो मान को नारे अभियोग आने अणा जाइछि केवल ता बापा को अरेस्ट कर देले हबोनी कोर्ट फॉरवर्ड करले हबोनी तार जो तीनि पुओ अछंती ता भीतर शेख मुस्लिम आमे सुनिया को जति पाउछु से कोन पूर्वरु कांग्रेस दलरु काउन्सिलर कोन स्टैंड करथिला कोन हम सुनिया पाउछु ताकू अरेस्ट करा जाउ
प्रथम कथा सेकेंड रे जो मैंने धमक चमक करने जाइले जो मान धमक पर से झी अटेम कला हूँ सुसाइड पर हूँ आमर हस्पिटाल से एडमिट है ट्रीटमेंट अभाव ट्रीटमेंट बेले हूँ सी डेथ कर गला तार पोस्टमार्टम पर तुरंत केमी मेडिकल आणिकी घर संस्कार कर शवटा को सहीटा को चेस्टा करते कहीं किसी त्रुटि अच्छी जो से तुरंत पठेदेवे मेडिकल कि हूँ पोस्टमार्टम सरगला तुम तुम झील को नहीं जाओ सहीटा कौन पर किसी ना कि त्रुटि अच्छी। राजधानी में बीड छात्र छात्री विक्षोभ नुआ नियम फल अनेक छात्र छात्री कंट्राक्चुआल चाकरी योग्यता पाइबार वंचित होती से निष्पत्ति बदल राज्य सरकार को अनुरोध करी छात्र छात्री डीएसपी ऑफिस रे क्षमा करेंगे डीएससी ऑफिस रे दाबीपत्र असंतुष्ट छात्र छात्री ओडिशा गवर्नमेंट बीड अंडर रे आम आगे एंट्रांस देलु बीड्रे बीड एंट्रांस देलापर आम दु वर्ष बीड कलु बीड पास आउट पर आम ओस्टेट एंट्रांस देलु ओस्टेट भी आम क्वालिफिकेशन क्वालिफाई हलु क्वालिफाई होगापर आम दु वर्ष इन्हें प्रिपेयर हो सारूँ कंट्राचुआल हाईस्कल कंट्राचुआल कितु एवं कंट्राचुआल रिक्वायरमेंट पूर्व गोटे रिजल्यूशन आज रिजल्यूशन में कहे कि आम जो बीएड आउ ओस्टेट बेले जो आम क्राइटेरिया से क्राइटेरिया चेंज कर जो फल कि आम इन हाईस्कल कंट्राक्ट टीचर पर इलीजिबल होना आउ आमर जो एम आई एल आउ इंग्लीश ओडिया दुटा कंपलसरी सब्जेक्ट थी ओडिया सब्जेक्ट रू गोटे सिलेक्शन कर गोटे निला आ गए इलेक्टिव गोटे स्कूल सब्जेक्ट निला एवं कौन कराई से इंग्लीश आउ इंग्लीश आउ ओडिया जो कंपलसरी सब्जेक्ट उठा दे कि इलेक्टिव पास आम तो चार वर्ष ये वेस्ट कर सारूँ आउे आम कौन करूँ आम यमर दाबीपत्र डीएससी ऑफिस रे आसी दवापाई आउ एजुकेशन मिनिस्टर को ये विषय अवगत रिक्वेस्ट कर 2017-19 जमी गाइडलाइंस थी से गाइडलाइन अनुसार आमको इलिजिबल कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नुआ दिल्ली में टोक्यो ओलंपिक्स में अंशग्रहण करथिबा भारतीय एथलीट को भेटिछंती। किछि दिन पूर्व शेष होइथिबा टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय खेलाड़ी माने चमत्कार प्रदर्शन करथिले। ए ओलंपिक्स रे नीरज चोप्रा स्वर्ण पदक समेत भारत मोट 7 पदक जीति ओलंपिक्स रे यह हो भारत सर्वोत्तम प्रदर्शन। यह पूर्व 2012 लंडन ओलंपिक्स रे भारत 6 पदक जीति अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जावलिन थ्रो इवेंट रे स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोप्रा को प्रिय चुरमा खावा से महिला बैडमिंटन इवेंट रे पदक जीति पीवी सिंधु को एक आइसक्रीम भी खावाक ओलंपिक्स इतिहास रे बैडमिंटन रे 2 पदक जीति पीवी सिंधु होती भारत एकमात्र खिलाड़ी। या पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक्स रे अंशग्रहण करुवा समस्त भारतीय एथलीट को स्वाधीनता दिवस अवसर में लाल किल्लारे पताका उत्तोलन समारोह में भाग नेबा को आमंत्रण करते। यहपर 16 अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी समस्त खिलाड़ी को भेटा करते निमंत्रण। समय सरी अर्गस अपडेट को ये रखुछ। नमस्कार।